कम से कम आजाद कश्मीर के बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। यह कोई सूबा वूबा नहीं बनता, इस गलतफहमी से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। हमें कितने लगे, 75 साल लगे, ये सूबा बन रहा है, वो सूबा बन रहा है, अबूरी बन रहा है। अगर मैं जाके पता चला कि ना तो कुछ भी नहीं बन रहा है, उसमें भी आपको 3 सीटें ऑफर कर रहे हैं, भाई सूबा बना रहे हैं तो कितने कितने हैं आपके पाकिस्तान के, 4 सूबे हैं ना, 4 सूबे हैं। वो ट्राइबल इलाके वाला खाता तो खत्म हो गया, 25-400 हर सूबे के, 25-25 4 आपके फेडरेशन के हैं, 104 आप उठा के देखें सेनेट के मेंबरान की तादाद, दे देना आपको 25 फुल फ्लेज सीटें दे दें। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम वो इंडियन वाला कश्मीर भी इसमें शामिल कर रहे हैं, आजाद कश्मीर भी कर रहे हैं, करगिल लद्दाख भी कर रहे हैं। वो मतलब वो एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने कुछ किया तो अलग बात है, उसकी कुदरत या नेचर ने कुछ किया तो, जिनके माशी हालात इस तरह के हैं, मुझे ये नेगेटिव और डिप्रेसिव रिमार्क्स नहीं पास करने चाहिए। मतलब वो एक ऐसी ख्याली कहानियों के अंदर हमें पता नहीं क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। भाई हमने क्या किया है, करगिल ने हमने दिफा किया, वाना में हमने दिफा किया, वजीरिस्तान में हमने किया, जाके चेक करें ना हमारे लोगों की, कोई भाग के आया है आज तक? मुल्क के लिए जाने सबसे पहले हमारे लोगों ने दिया, और आप लोगों ने बदले में क्या दिया, जमीनों सबको खालिसा आप लोगों ने करार दिया हमारी, आजाद कश्मीर में कोई खालिसा सरकार नहीं है। उनको इंटरिम एक्ट दिया, हमें ना आबादियाती ऑर्डर दिया, इस असेंबली के मेंबरान ने ऑर्डर बनाया, आप सब वकील है, किसी ने बनाया है, ये तरमीम कर सकते हैं, इन गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों के अंदर इनको हम चैलेंज कर सकते हैं, उसके प्रोविजन उठा के देखो भाई, ये हद हो गई। अब कम से कम ये 21वीं सदी के अंदर इस तरह के हालात दुनिया के कोई भी बाशूर कौम बर्दाश्त नहीं करती है। तो आखिर में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वकला को 3-4 मुतालिबात तकड़े करने चाहिए। ये जाली सुबू की चक्रू से निकल के इनको कहें कि जी आपका सुप्रीम कोर्ट का 17 जनवरी 2019 का फैसला है, आपने कहा है कि आप मुतनाज़र रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आज़ाद कश्मीर है, उस तरह का सेटअप हमें दे दें। आज तक आप लोगों ने सुना है आज़ाद कश्मीर में कभी गंदम का कोई बहरान पैदा हुआ हो, उनका फंड रोका गया हो, उधर इस तरह के क्राइसिस हो गए हैं, वो क्यों नहीं होते? उनका अपना एक सेटअप है, उनकी एक असेंबली है, उनका सदर है, वज़ीर आज़म है, झंडा है, तराना है, उनके पास क्या नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट रूल है, आधा गिलगित तो बाहर के लोगों को इंतकाल होकर फारिग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ है? आखिर में मैं एक शायरी पढ़ता हूं, उसके बाद इजाजत लूंगा। ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर तौकीर की शायरी है, ये रसिया तो खोल दो ये तो कप उतार दो, ये रसिया तो खोल दो ये तो कप उतार दो, हम आदमी नहीं है क्या, हमें भी इख्तियार दो, हमें भी इख्तियार दो कि हम भी गुफ्तगू करें, हमारे अपने जश्न हो, हम अपने हाहू करें, हमारे हाथ पैर आंख कान सर नहीं है क्या, हमारे शोक यकीन हमारे डर नहीं है क्या, हमारे रोज शब रहीन इज़न गैर किस लिए, हमारे रोज शब रहीन इज़न गैर किस लिए, तुम्हारा कुछ लिया नहीं तो हमसे बेर किस लिए, हवस अगर खुली रही तो प्यार मरता जाएगा, हवस अगर खुली रहे तो प्यार मरता जाएगा, तुम्हारा जबर इस फिजा में जहर भरता जाएगा, तुम्हारे हक में जो भी कोई दलील है फजूल है, जमीन मालिकों की है, मुस्लिमा उसूल है। बहुत शुक्रिया।